नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद शर्मा। आज आप लोगों को कॉलेज टूर कराता हूं, जिसमें हम लोग मेनली तीन कॉलेजेस को देखेंगे, RAC, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फॉरेस्ट्री को। इसमें इन्वायरमेंट देखेंगे, कैसा एटमॉस्फेयर है यहां पे, कहां पर कॉलेज लोकेटेड, या सब कुछ देखेंगे हम आगे। यहां पर आप देखेंगे एक साथ चार बॉयज हॉस्टल हैं, हॉस्टल नंबर 1, 2, 3 और 4। बॉयज हॉस्टल से कॉलेज की दूरी लगभग 100 मीटर है और ये RAC कैंपस आप देख सकते हैं। BAU रांची में टोटल 4 ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि 2 ग्राउंड एग्रीकल्चर, 1 ग्राउंड फॉरेस्ट्री और 1 ग्राउंड वेटनरी में है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी को आप रांची एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से जानते हैं। जब आपका एडमिशन होता है एग्रीकल्चर में तो आपके क्लासेस यहीं पर होते हैं, बाकी UG, PG और PhD के भी क्लासेस इसी में होते हैं। यह गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ से कॉलेज की दूरी लगभग 50 मीटर है। यही वह बिल्डिंग है जहाँ पर खूब मेहनत कर स्टूडेंट आना चाहते हैं और एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं, जो कि कांके रांची में है। यहाँ पर कॉलेज कैंटीन और लाइब्रेरी है, जहाँ पर आपको बुक्स और ढेर सारी सुविधाएं मिल जाती है, वाईफाई, फ्री इंटरनेट, जिसका कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। UG, PG, PhD सभी के बुक्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। हमने वीडियोस बनाना हॉस्टल नंबर 3 से स्टार्ट किया था, ये हॉस्टल नंबर 1 से लेकर के 4 तक करने जा रहा है। यह है बी कीपिंग यूनिट या फिर एपियरी। यहाँ पर बी कीपिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। मेनली 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इंटोमोलॉजी के अंडर बी कीपिंग पढ़ाया जाता है। आपको डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, मशरूम। अलग अलग सेमेस्टर्स में आपको अलग अलग नॉलेज दिया जाता है। यह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, जो कि बहुत ही न्यूली बिल्ड है और बहुत ही शानदार कॉलेज है। इसमें स्टूडेंट्स जो PCM बैकग्राउंड से होते हैं, सिर्फ वही एडमिशन ले पाते हैं और उनका एग्ज़ाम भी JCET के थ्रू ही होता है। पूरा जो कैंपस है वह ग्रीनरी से भरा हुआ है, चारों तरफ पेड़ पौधे, अलग अलग रिसर्च, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं आप। यह BAU हेडक्वार्टर है, यानी कि बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यहाँ पर मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, जहाँ की वाइस चांसलर बैठते हैं और आपके जो एकेडमिक्स के भी काम होते हैं वह भी होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे फॉरेस्ट्री कॉलेज की तरफ। इसमें PCB, PCM दोनों के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह कॉलेज भी बहुत ही ग्रीनरी से भरा हुआ है। यहाँ पर मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन हॉल आप देखेंगे आगे। यहाँ पर PG गर्ल्स हॉस्टल है। यह न्यूली बिल्ड बिल्डिंग है, जो कि मल्टीपर्पज़ एग्जामिनेशन हॉल है। मेनली अब जो एग्ज़ाम होंगे स्टूडेंट्स के इसी पे होंगे। जो हॉस्टल्स हैं वह भी मेन जो सड़क है, हाईवे से दूर, शोर शराबे से दूर, पोल्यूशन से दूर, और स्टूडेंट्स अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा सकते हैं। यह कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री आप देख रहे हैं, जिसमें कि मेन बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, वानिकी संकाय कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री आप देख सकते हैं। यह रहा मेन बिल्डिंग। बहुत अलग अलग प्लांट्स में, बहुत अलग अलग क्रॉप्स में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, कि एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, रिसर्च चलते रहते हैं, क्योंकि जो आपको मेनली पढ़ाते हैं प्रोफेसर्स, वो सभी PhD हैं, वो सभी साइंटिस्ट हैं, तो उनके अंडर क्या है कि ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना और उन स्टूडेंट्स से पढ़ना जो स्टूडेंट्स इसी एग्ज़ाम को क्रैक करके अभी एग्रीकल्चर कॉलेज में, फॉरेस्ट्री में, वेटनरी में पढ़ रहे हैं, वही लोग आपको गाइड करें, तो बहुत ही मिनिमल फी में टेस्ट सीरीज़ के साथ बुक अवेलेबल है। आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you.